वीकेंड के वार पे सलमान खान को देखा ना जाए स्टेज पे, किसी और को देखा जाए स्टेज पे, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाय यार सलमान खान को होना चाहिए था, शायद सलमान खान ये चीज़ नहीं करते। अभी अभी आप लोगों ने विपिन डी सेना का एक प्रोमो देखा, जहां पर एकता कपूर ये कहती हुई नजर आई कि भाई मैंने आपको लॉन्च किया है और आपसे कुछ बात करने का हक है मेरा, और आपने जो काम किया है उसके ऊपर जो आप ढिंढोरा पीटते हो तो उसका क्या, उसका क्या, 8 साल के बाद फिर यहाँ पर दोबारा से नहीं आते। तो ये काफी सारी बातें हैं जो कि प्रोमो में आप लोगों को मिक्स करके जो है वो दिखाई जा रही है। तो चलिए इसका तोड़ निकालते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी गॉसिप करते हैं। जिस तरीके से एकता कपूर ने अभी विवियन को ये बोला है, क्या वो सही है या गलत है वो आप ही मुझे बताइए, बट मेरी नजर में ये सही है या गलत है वो मैं भी आप लोगों को जरूर बताऊंगी। देखिए, एकता कपूर ने 8 साल की बात तो ये कही क्योंकि उनको जो है 9 साल से ऑफर आ रहा था, 8 साल से ऑफर आ रहा था, वो नाइन्थ ईयर जब अभी ये ऑफर आया बिग बॉस का, तब वो इस बिग बॉस में उन्होंने हामी भरी कि हाँ भाई मैं आ जाऊंगा। तो इस साल जो है वो आ गए। अब एकता कपूर ने ही जो है विवियन डी सेना को जो है लॉन्च किया था, जिसके बाद जो है वो काफी ज्यादा फेमस हुए। पर विवियन में क्या सच में आपको घमंड दिखाई देता है? अगर भाई मैं Day 1 से जो है अब तक इस शो को फॉलो कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि विवियन की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसके शोज को लेके, हाँ मैंने उसके कुछ ऐसे सीरियल्स वगैरह देखे हैं जहाँ पर उसके एटीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, बट मैं कभी फैन नहीं बनी। पर अब विवियन को जब मैंने देखा तब मुझे अच्छा लगा बंदा, कि भाई बंदा जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, उसका एक ओन एटीट्यूड है, एक ओन पर्सनालिटी है जिस पर्सनालिटी पे वो चलता रहता है। पर बाकी लोग घर में जो है इस चीजों को लेके काफी सारी बातें करते हैं कि भाई वो अपने काम का घमंड दिखाता है, वो घमंडी है, उसने इतना काम किया है, वो इंडस्ट्री का अपने आप को सुपरस्टार मानता है, वगैरह वगैरह बातें। पर क्या कभी आपने विवियन के मुंह से कभी सुना है इतनी घमंडी बातें? मैंने तो भाई कभी नहीं सुनी। विवियन अपने काम के बारे में बात जरूर करता है कि हमारा शो वो सुपरहिट था, मैं जो हूँ मतलब कि मेरे काम ऐसा था, मैं हूँ लाडला, मैं इतना ज़्यादा काम जो है वो कलर्स टीवी पे मैंने किया है, ये बातें जो है वो डेफिनेटली बोलता है, बट उस चीज़ का एक अलग मतलब निकाला बाकी घर वालों ने, और उस चीज़ को लेके जो है अब एकता कपूर मतलब कि जो बात है ना उस बात से एकदम निकल के, सारा का जो हुआ उससे निकल के, चाहत ने जो किया उससे निकल के, और तो और जो रज्जो दलाल ने किया उससे निकल के, सीधा जो है वो टारगेट कर रही हैं, सीधा टारगेट किया जा रहा है विवियन को। विवियन की मुश्किलें क्या पहले कम थी, जो कि वीकेंड के वार पे उसको टारगेट करके उसकी मुश्किलों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है? देखिए, जो इंसान बहुत अच्छा होता है उसकी परीक्षाएं भी जो है बहुत ही ज्यादा होती हैं। कोई भी इस शो का आज तक विनर ऐसे ही नहीं बन गया है, तो अभी परीक्षाएं जो है बहुत ज्यादा हार्ड होती हुई जा रही हैं, और इसीलिए विविन को जो है इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि उसकी ऑडियंस जो थोड़ी बहुत पहले तो जाग चुकी है, जो थोड़ी बहुत भी सोई हुई है, वो विविन के सपोर्ट में खड़ी हो। क्योंकि ये जो है एकता कपूर नहीं बोल रही है, एकता कपूर से मेकर्स जो है वो बुलवा रही हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या बनता है कि मेकर्स का बिग बॉस का लाडला नहीं है विवियन, विवियन के ऊपर टारगेट करके टीआरपी लेंगे, क्योंकि विवियन का डंका सबसे ज्यादा बोलता है। आपका क्या है कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।